ये वही टेबल है जहाँ पे कल रात हमने केक काटा था। अब यहाँ पे केक बन चुका है। बहुत पानी तेज हो गया। Enjoy your vacation. Long ride from our hometown, we have reached to this beautiful location and we are staying in these tents. साइड एक काउच है, वहाँ पे एक स्टूल है और इधर एक टेबल लैंप है। आज हम हैं मुक्तेश्वर और नैनीताल के पास में एक जगह है। यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट अभी 0 degrees है। ये जगह नैनीताल से ऑलमोस्ट 25 kilometers है, बट हम क्योंकि कॉमर्शलाइज जगह में नहीं रहना चाह रहे थे तो ये जगह एक थोड़ा सा अलग हटके है एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। दिस टेंट इज़ ऑल्सो वेरी कोजी एंड यहाँ इन एंड अराउंड बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं सुबह में आपको इसका एक टूर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल रात में तो करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी हम अपना डिनर करेंगे और उसके बाद मैं सुबह में आपको दिखाऊँगा कि यहाँ आस पास क्या है। ऑल राइट देन, सी यू टुमारो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो चुकी है और बाहर देखिए क्या नज़ारा है। ऑलमोस्ट 1 feet ऊंची बर्फ जम गई है और हमारे टेंट में लाइट भी चली गई है तो हीटर काम नहीं कर रहा है और हम आके बैठे हैं अपनी कार में ब्लोअर चला के। अनु जी, आप बताना चाहेंगी? हाउ आर यू फीलिंग? पिछले 4 घंटे से स्नोफॉल हुए जा रही है और लगभग 1 feet ऊंची बर्फ जम चुकी है हर जगह। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो फंस जाएंगे, वापस भी नहीं जा पाएंगे। पिछले 4 घंटे की लगातार स्नोफॉल के बाद अब जाके स्नोफॉल बंद हुई है। तो
अब कुछ सीन ऐसा है कि अभी तक बर्फ़ गिर रही थी और टेम्परेचर था अराउंड -4 degrees, लेकिन अब जब बर्फ़ मेल्ट होगी तो टेम्परेचर और नीचे जाएगा और हम रात में रिस्क नहीं ले सकते। हमारा पूरा टेंट भी बार बार बर्फ़ से कवर हो रहा है और हमें उसको गिराना पड़ रहा है, तो बीमार नहीं होना है। इसलिए बराबर में ही कॉटेज है, वहाँ पर हम अपने रूम में सामान शिफ्ट करेंगे। पर हाँ, धूप निकल आई है, अच्छी बात यह है, और वेदर क्लियर हो गया है, तो फटाफट से अपना ड्रोन उड़ाएंगे और कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लेके और आपको दिखाते हैं। ऑल राइट, एंजॉय दी शॉट्स। तो इस तरह ठिठुरती ठंड से बचने के लिए हमने दूसरा दिन एक रूम में स्टे ले लिया। ये है हमारी गाड़ी की कंडीशन, बर्फ पूरी तरह से जम चुकी है। इधर धूप आ रही है, इधर का पिघल गया, पीछे का भी पिघल गया, और साइड से शीशों पर पूरा। पर स्ट्रगल यहीं पे खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन हमें अपनी गाड़ी निकालने के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। पर ओवरऑल जो भी था, ये एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस रहा और ये ट्रिप तो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।